हाँ साले मारवाड़ी आता हूँ चल 10 मिनट में। मम्मी मैं जय और के साथ पार्क जा रहा हूँ। कितनी बार जाके आता हूँ कहते बेटा। हरे कृष्णा। हाँ माते शीघ्र वापस आता हूँ। राज वो पापा दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा है। खेलने कोई और काम नहीं है तुमको? बस पूरा दिन पढ़े रहना और खेलना है। पर अभी तो वैकेशन चल रहे हैं। हाँ तो कुछ प्रोडक्टिव काम करो, कोर्सेज का ओवरव्यू लो, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज देखो। जी पापा। करने को तो कितना कुछ कर सकते हैं, पर लाड़ साहब को खेलने से फुर्सत मिले तो ना। क्या मेरे सामने खड़े रहने से कुछ नहीं होगा? जाओ अब। ओए किधर? अरे कुछ नहीं, चल बैठ। भाई मुझे इतना स्कोप मिला है। मैं न्यू प्लेयर, तू क्या करेगा इसका? मेरे पास AW है, मेरे को दे। अरे अरे रिवाइव करो मेरे को, कोई रिवाइव करो। हाँ रुक करता हूँ। अरे क्या यार पबजी बंद कर भाई। पबजी के आगे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नमस्ते रिंकू आंटी। मम्मी जी भी नहीं क्या? यस यस विनर विनर चिकन डिनर। वैसे कल रिजल्ट आने वाला है भाई, अभी तो लगने वाली है। वैसे भी प्रीलिम्स में खींच खींच के पास हुआ हूँ। ब्रदर वंस अ बिग मेल सेड, महापुरुष बेटा महापुरुष। महापुरुष ने कहा था अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। चल बे चोमू तेरी सबसे ज्यादा आते है, तू तो सिर्फ बोलना ही है। क्या यार तू भी बहुत हो गई बातें, एक काम करे जो बैडमिंटन खेलते। चल चलो 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 चलना। राज क्या हुआ? नहीं यार आज मन नहीं है, तुम लोग खेलो। क्या यार राज तू जा, मैं इसे लेके आता हूँ। अरे अरे सही है भाई, चल मैं मेरा देखता हूँ। क्या है, क्या किया बुरा सा? कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या कहेंगे हम सोसाइटी में? CEO का बेटा फेल हो गया। इस घर में रहने के लायक नहीं है तू। पूरा दिन बस खेलना है, घूमना है, पर पढ़ाई वो तो बिल्कुल नहीं। ऊपर देख, बोल बोल के थक गया, पर सुनना किसको है? वो शर्मा जी के बेटे को देख, JEE क्रैक करके IIT में एडमिशन लेके बैठा है। तुझे कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन देगी नालायक? अब एक साल घर पे बैठेगा? अच्छे से अच्छा कोचिंग सेंटर लगा के दिए, जाने आने में मुश्किल ही ना है इसलिए व्हीकल ला के दिया। पर साहब क्या कर रहे हैं, फेल हो रहे? तू जिंदगी में क्या करेगा? मैं तुझे पूरी जिंदगी नहीं पालने वाला। और मुझे नहीं पढ़ना। राज
राज वीर क्या कर रहा है? मरना है तेरे को, सुसाइड करना है? हाँ तो चल ना, उधर पानी ज्यादा है। चल चल, मैं हेल्प करता हूँ। चल, क्या कर रहा है भाई? ऐसा कौन करता है? इधर आ, अब बता क्या हुआ। मैं फिजिक्स में फेल हो गया। पापा ने ना जाने क्या क्या सुना दिया और ऊपर से चाटा भी मार दिया। लाइफ में उन्होंने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। मैं लाइफ में अच्छा बेटा नहीं बन पाया। तो क्या मर जाएगा? तू भी सुसाइड करेगा? भाई सक्सेस फेलियर क्या है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। तूने कितनी मेहनत की है, तूने कितना ट्राई किया है, वो मैटर करता है। और किसने कहा तू अच्छा नहीं है? यू आर बेस्ट। पर यार, पर क्या भाई, तू सिर्फ फेल हुआ है। अरे डम्बो, तेरे पास सिर्फ ये मार्कशीट है? ये तुझे आइडेंटिफाई करेगा? तेरा टैलेंट किधर गया? तू इतनी अच्छी स्केचेस बनाता है, तू पेंटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है और खाना भी अच्छा खासा बना लेता है। मेरी तो मैगी भी गल जाती है यार। वीर मुझे वो सब पसंद है। मैं स्केचेस और पेंटिंग करते वक्त उसे एंजॉय करता हूँ, पर करवा तो मुझसे साइंस रहे है ना। करवा रहे का क्या मतलब है? अभी घर पे बात तो कर। नहीं यार, पापा कभी नहीं मानेंगे। उनको तो बस मुझे सीईओ ही बनाना है, आर्ट्स तो कभी नहीं करने देंगे। भाई तूने अंकल से बात की? उनको बताया कि तुझे साइंस नहीं आर्ट्स करना है? नहीं, पर मुझे पता है वो कभी नहीं करने देंगे। वाह बेटा, ये सही है। तूने घर पे बताया नहीं और एक्सपेक्ट कर रहा है कि पापा समझे कि बेटे को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बेचारा फेल हो गया। अरे घर पे बात नहीं होती तो हमसे तो बात कर। पर नहीं, साहब को हमसे बात करने में मौत आती है। 17-17 मिस कॉल के बाद भी कुछ नहीं, सामने वाला इंसान कॉल कर कर के मर जाए पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। इतना सब कुछ हो गया था, मैं क्या बात करता, मैं तुझसे क्या बोलता। यही कि तेरे बाप ने तेरी ले ली। भाई दोस्तों से बात किया कर, अच्छा लगता है। और दोस्त होते किस लिए, सिर्फ गालियां सिखाने। थैंक यू भाई। कर दी ना छोटी बात, छोड़ो। वैसे तू यहाँ कैसे? बस तेरे जैसा सुसाइड करने आया था, तेरा मुंह देख के पूरा मूड ऑफ हो गया। सच बता ना, परफेक्ट टाइम पे आया। वैसे थोड़ी देर बाद आता तो दोनों ऊपर मिलते। बाय वीर। क्या हुआ, ठीक से बता ना, क्या वीर? भाई वीर ने सुसाइड कर लिया। अरे पागल है क्या, वीर तो यही। वीर, वीर भाई ये देख। आई एम सॉरी मम्मी पापा, पर इतने कम रिजल्ट के साथ मैं आपको फेस नहीं कर सकता। मैंने बहुत तैयारी की थी, मैंने बहुत मेहनत की थी, पर मैं फेल हो गया। मुझे माफ करना कि मैंने आपको शर्मिंदा किया। आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा। तू क्या मर जाएगा? तू भी सुसाइड करेगा? सामने वाला इंसान कॉल कर करके मर जाए पर कोई फर्क नहीं पड़ता। परफेक्ट टाइम पे आया वैसे, थोड़ी देर बाद आता तो दोनों ऊपर मिलते। सॉरी पापा, मुझे आपको पहले ही बताना चाहिए था, मुझे कभी साइंस करना ही नहीं था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू परस्यू आर्ट्स, पर मैं भी क्या करता। मैंने जब 10th पास किया, मुझे सिर्फ दो ऑप्शन दिए गए, मैथ्स या बायो। पर ये कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुझे साइंस करना है या नहीं करना। कॉमर्स और आर्ट्स के ऑप्शन की तो दूर की बात। 12th के बाद मुझे बोला गया कि कोई अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लो, पर मैंने कब कहा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। ना मुझसे किसी ने कुछ पूछा, और मेरी गलती ये है कि ना मैंने कभी किसी को बताया, और बस मैं ये मान के बैठा रहा कि आप कभी नहीं मानेंगे। बेटा तुझे जो पढ़ना है वो पढ़। आई एम सॉरी कि मैं तुझे वो कंफर्ट जोन नहीं दे पाया जिसमें तू मुझसे खुलकर बात कर सके। आज से मैं तेरा दोस्त, तुझे जो बात करनी है वो कर सकता है। मर के भी निभा गया वो दोस्ती का रिश्ता, मर के भी निभा गया वो दोस्ती का रिश्ता, ऐसा मेरा यार फरिश्ता। मर के भी निभा गया वो दोस्ती का रिश्ता,
ऐसा मेरा यार फरिश्ता।